एक बार की बात है, जंगल के बीचों बीच एक गधा और एक चतुर बाघ रहते थे। एक दिन घास के रंग को लेकर उनमें मतभेद हो गया। गधे ने बाघ से कहा, घास नीली है। बाघ ने उत्तर दिया, नहीं, क्या तुम अंधे हो? घास हरी है। गधे ने जोर देकर कहा कि वह नीला है, जबकि बाघ ने तर्क दिया कि वह हरा है। अपने विवाद को सुलझाने में असमर्थ, उन्होंने सबसे बुद्धिमान शेर से सलाह लेने का निर्णय लिया। शेर जो जंगल का राजा था, उनके समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया। प्रत्येक ने अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखा। गधे ने बड़े जोश के साथ कहा, महाराज, क्या यह सच नहीं है कि घास नीली है? शेर ने अपनी असीम बुद्धि से उत्तर दिया, यदि आप अपने दिल में मानते हैं कि घास नीली है, तो घास नीली है। राजा के उत्तर से गधा बहुत प्रसन्न हुआ और आगे बढ़ गया। बाघ मेरा विरोध करता है, मेरा खंडन करता है, उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए, शेर ने मामले पर विचार करते हुए आदेश दिया। मामले में फैसला सुनाया गया कि बाघ को सजा के तौर पर 5 साल तक मौन रहना होगा। फैसले से संतुष्ट होकर गधा खुशी खुशी अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन बाघ के जाने से पहले वह अपने मन में एक प्रश्न लेकर शेर के पास पहुंचा। जब घास तो हरी है, तो तुमने मुझे दंड क्यों दिया? शेर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सचमुच घास हरी है। हैरान होकर बाघ ने आगे पूछा, तो फिर मुझ पर यह सजा क्यों? शेर ने ज्ञान भरी निगाह से समझाया, आपकी सजा का इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है कि घास नीली है या हरी, बल्कि यह सजा उस प्राणी के साथ निरर्थक बहस में शामिल होने के लिए है जो तर्क को समझ नहीं सकता। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए व्यर्थ विवादों में समय बर्बाद करना तर्कसंगत नहीं है। असली मूर्खता उन लोगों के साथ बहस करने में है जो गलतफहमी में रहते हैं, अहंकार और आक्रोश से प्रेरित होते हैं। इससे बाघ को शेर द्वारा सिखाया गया सबक समझ में आ गया। उसने अपनी सजा को विनम्रता से स्वीकार किया और वहां से चला गया, एक नई बुद्धिमता के साथ छोड़ दिया। कहानी का नैतिक अर्थ स्पष्ट है। हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो तर्क को समझने से इनकार कर देंगे तथा अपने विश्वासों पर अड़े रहेंगे, चाहे हम उनके सामने कितने भी प्रमाण प्रस्तुत कर दें। सफल होने के लिए व्यक्ति को सीखने और सुधार के लिए खुला रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह किसके साथ जुड़ रहा है। उन लोगों के साथ बहस करने के जाल से बचें जो गलत समझने पर तुले हुए हैं, और इसके बजाय अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको ऊपर उठाते हैं और ज्ञान देते हैं। यह वास्तव में सच्ची प्रगति और सफलता का मार्ग है।